प्रधानमंत्री आवास योजना में जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। आवास योजना और शौचालय निर्माण की किस्त जारी करने के लिए रिश्वत की मांग की जा रही है। कई बार सरपंच ने इसकी शिकायत बड़े अधिकारियों से की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। सरपंच सहित 2 दर्जन से ज्यादा लोगों ने इसकी शिकायत कलेक्ट्रेट में की है। सिंगरौली में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाली राशि के बदले हजारों की रिश्वत मांगी जा रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा है कि गरीब लोगों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित किया जाए, लेकिन रोजगार सहायक शासन की योजनाओं का लाभ लेने वाले हितग्राहियों से धन ऐंठने में लगे हुए हैं। कुछ ऐसा ही मामला कथुरा पंचायत में देखने को मिला, जहां कथुरा की आदिवासी महिला सरपंच जागमती रोजगार सहायक से परेशान होकर कलेक्ट्रेट पहुंची और सीओ से मदद की गुहार लगाई। सरपंच का कहना है कि रोजगार सहायक संजय पांडे प्रधानमंत्री आवास योजना व शौचालय की किस्त जारी करने के एवज में हजारों की रिश्वत ले रहे हैं, जिसकी शिकायत जनपद बैठन में भी की गई, लेकिन अभी तक रोजगार सहायक के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई है। थक हार कर एक बार फिर सरपंच 2 दर्जन से अधिक लोगों के साथ लेकर कलेक्ट्रेट पहुंची और अपना दर्द जिला पंचायत सीओ ऋतुराज को बताया। मैं कथुरा पंचायत सरपंच हूँ और रोजगार सहायक बोलता है संजय पांडे कि मैं सरपंच को नहीं चिंता हूँ, कौन हूँ सरपंच, जो है तो मैं ही हूँ और सबसे लूँगा वो उगा के। सीओ साहब बोले कि ठीक है देखेंगे, लेकिन अब तक आज दिन तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ, सब ना सुने ना। समझ के आल रहे तो संजय पंडित पैसा 20,000 निकल ली तो 5,000 लिख बन के ले लिए, हमारा पैसा लूट लिया। हमारे कि पुन 3,000 पैसा पुन मांग रहा कि पुन 3,000 घर पहुँचा रहा, तो हम नहीं पहुँचा रहे, कहाँ पाई कि कहें हम पहुँचाई का दे का ले भाई नहीं आ गया, तीसरा नहीं आया, कहे हम ढाली घर कहे हम का करें भाई, राड़ देवा वाली हम कि हम लोग कमियान धनिया हमें दे दिया तो का करिए। अब ये पहले ये सरपंच से लेकर आल वाली हम शिकायत कहाँ नहीं। बैढ़न विकास खंड की ग्राम पंचायत कथुरा की महिला सरपंच ने रोजगार सहायक की शिकायत की है और बताया कि गरीब आदिवासियों से आवास की किस्त जारी करने के लिए रिश्वत ली जा रही है। आवास के लालच में ग्रामीणों ने पैसे भी दे दिए, लेकिन डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। इसकी शिकायत जनपद सीईओ वी के सिंह से भी की, लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। जिला पंचायत में कुछ लोग आए थे जिसके बारे में शिकायत कर रहे कि प्रधानमंत्री आवास योजना का के देने के लिए एवज में 2,000 रुपए के लाभ मांगा गया है। गरीब आदिवासी जनता को इन लोग थोड़ा गुमराह करके इस प्रकार के कार्य किए जाते हैं, परंतु हम लोग इस मामले में काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं और कई बार हम लोग जब भी जहाँ ग्राम पंचायत में जाते हैं और लगातार हर महीने हम लोग बैठक लेते हैं, इसमें सबको ये समझाया जाता है कि लोग इस प्रकार के प्रलोभन में ना पड़े, क्योंकि ऐसी डेटा बिल्कुल बदल नहीं सकती, परंतु इसके बावजूद भी कुछ लोग इस प्रकार की गलती कर रहे हैं। तो हम लोग अपने स्तर पे जो भी विभागीय कार्रवाई है वो बिल्कुल करेंगे अगर प्रमाणित पाई जाती है तो, और सीओ जनपद को कह दिया गया इसमें बिल्कुल जांच करें और जांच करके जैसे रिपोर्ट आता है हम लोग कार्रवाई करेंगे। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।